हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस प्रैक्टिकल डॉम सीरीज़। तो इस वीडियो में ना हम और भी काफ़ी सारे चीज़ों को डिस्कस करेंगे और फिर जानेंगे और फिर उनको उसी तरह से एक नए क्वेश्चन पे इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है यार, तो आज हम कुछ और दो थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं हमें ना कुछ प्रॉपर्टीज़ के पहले पहले उसकी डिस्कशन कर देते हैं, उसके बाद हम रिलेट करके एक प्रॉब्लम भी बना देंगे। प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ प्रैक्टिकल वाली चीज़ें भी इम्प्लीमेंट हो जाएगी। ठीक है, तो फिर देखते हैं कुछ कुछ ऐसा ऐसा ऐसे कुछ, मतलब मैं यहाँ पे लिखता हूँ। एक चीज़ होती है डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल। ठीक है, डॉक्यूमेंट के ऊपर कुछ प्रॉपर्टी होता है, क्वेरी सेलेक्टर ऑल करके एक प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, तो क्वेरी सेलेक्टर ऑल क्या करता है, यहाँ पे है हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सो हियर वी हैव अ नंबर ऑफ, लेट्स से वी हैव अ नंबर ऑफ लिस्ट एलिमेंट्स, राइट। फिर हमें क्या करना है इन पे कि यहाँ से मतलब इन एलिमेंट्स को, सभी एलिमेंट्स को इकट्ठा कैसे कलेक्ट करें, हाउ टू रिप्रेजेंट इन अ वे दैट ऑल ऑफ द एलिमेंट्स आर कलेक्टेड एंड आई कैन हैव एक्सेस टू ऑल ऑफ देम। तो इस फंक्शनैलिटी को ना ये प्रोवाइड करता है, मतलब क्वेरी सेलेक्टर ऑल इस फंक्शनैलिटी को पूरा करता है। ठीक है, तो क्वेरी सेलेक्टर ऑल करने से क्या करता है, जैसे कि इन सभी एल आई एलिमेंट्स पे मैं मान लेता हूँ कर देता हूँ। ठीक है, ये सभी हो गया एल आई एलिमेंट्स। तो क्वेरी सेलेक्टर ऑल क्या करेगा, मैं मारता हूँ क्वेरी सेलेक्टर ऑल इन सभी एल आई एलिमेंट्स पे, तो ये मेरे को कुछ रिटर्न करेगा। वो क्या रिटर्न करेगा कि एक बेसिकली एक नोड लिस्ट रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा, बेसिकली एक नोड लिस्ट रिटर्न करेगा। अब ये नोड लिस्ट क्या होता है, ठीक है, अब ये नोड लिस्ट क्या होता है इसकी बात करते हैं। नोड लिस्ट बेसिकली एक रिप्रेजेंटेशन होती है एरे के जैसे, जिसमें सारी की सारी रेफरेंसेस पड़ी होगी। एक एरे के फॉर्म की रिप्रेजेंटेशन है बस। ठीक है, उस रिप्रेजेंटेशन में आपकी सभी चीज़ों की रेफरेंस पड़ी होगी। मान लेते हैं यहाँ पे एल आई वन, यहाँ पे है एल आई दूसरी सेकेंड एल आई, यहाँ पे है थर्ड एल आई, यहाँ पे है फोर्थ एल आई। ठीक है, लेकिन लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि द मेन पॉइंट इज दैट दिस इज नॉट एन एरे, राइट। सो यू कैन नॉट यूज सम एरे फीचर्स, सो एरे फंक्शनैलिटीज सच एज फॉर ईच, मैप, फिल्टर वगैरह, ये सब चीज़ें आप इस पर यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन हाँ, यूज़ करने के लिए आपको एक बेसिक सी इंडेक्सिंग होती है, आपके पास जीरो बेस इंडेक्सिंग होती है। ठीक है, तो उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, इस चीज़ को एक्सेस करते हो। ठीक है, इन रेफरेंसेस को एक्सेस कर सकते हो। तो ये एल आई हो गया, ये वन का, ये टू का, ये थ्री का, ये फोर का, ये फाइव का। ठीक है, ये सभी इस चीज़ों में आ जाएंगे ऐसे ऐसे करके। ठीक है, और फिर एक और चीज़ भी आप कर सकते हो, इन पे डॉट लेंथ भी कर सकते हो। ठीक है, इससे आपको आपकी लेंथ रिट्रीव हो जाएगी। ठीक है, एक प्रॉपर्टी और भी होती है, एक होती है लेंथ वाली प्रॉपर्टी इस पे, ठीक है, और दूसरी होती है ज़ीरो इंडेक्सिंग। ठीक है, जिसके थ्रू आप इंडेक्सिंग कर सकते हो और नॉर्मल फॉर लूप चला सकते हो। ठीक है, इसके थ्रू नॉर्मल फॉर लूप कर चला सकते हो। फॉर ईच सिर्फ एरे के ऊपर इंप्लीमेंट करा गया है। ठीक है, तो वो यहाँ पे इंप्लीमेंट नहीं है, इंप्लीमेंटेड नहीं है, तो आप फॉर ईच को यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते बेसिकली नोड लिस्ट के ऊपर। अब एक और चीज़ भी होती है जो किसी और मेथड से प्रोवाइड होती है, जो कि सिमिलर है नोड लिस्ट की तरह ही, तो उस चीज़ को क्या कहते हैं हम HTML, उस चीज़ को हम कहते हैं, हम उसे कहते हैं HTML कलेक्शन। ठीक है, तो ये हो गया नोड लिस्ट और सेकंड होगी हमारी, सेकंड हो गया हमारा HTML कलेक्शन। तो HTML कलेक्शन क्या चीज़ है, HTML सिलेक्शन भी बिल्कुल HTML कलेक्शन भी सेम टू सेम नोड लिस्ट जैसा ही होता है, कुछ इंटरनल प्रॉपर्टीज वगैरह चेंज होती है। ठीक है, तो HTML कलेक्शन भी क्या करता है, HTML कलेक्शन भी बेसिकली एक रिप्रेजेंटेशन होती है एक फॉर्म ऑफ एरे में, जिसमें आपके सारे रेफरेंसेस पड़े होते हैं। वो कुछ और मेथड से होता है, ठीक है, वो मैं बता दूंगा आपको आगे जाते जाते सीरीज में। ठीक है, तो उसमें भी आप मान लेते हैं कुछ HTML एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, यहाँ पे डिव हो सकता है, ठीक है, सारे डिव हो सकते हैं, या फिर पी हो सकते हैं, या फिर एंकर टैग हो सकते हैं। ठीक है, उस हिसाब से सेम फीचर्स तो यही प्रोवाइड होंगे, फीचर्स तो लेंथ भी होगा, जीरो बेस इंडेक्सिंग भी होगा। ठीक है, और ये बेसिक फंक्शनलिटी हमने जान लिया। ठीक है, तो क्वेरी सेलेक्टर से हम क्या कर सकते हैं, इन सभी एलिमेंट्स को हम सेलेक्ट करके उसके ऊपर कुछ काम परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। ठीक है, तो अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज को देखते हैं। क्वेरी सेलेक्टर ऑल देख लिया, अभी हम नेक्स्ट चीज के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट चीज क्या होगी, एक और मेथड मैं बताता हूँ। ठीक है, एक दूसरी मेथड हो गई इंसर्ट बिफोर, राइट, इंसर्ट बिफोर नाम की एक और मेथड होती है, जो कि HTML एलिमेंट्स पे
लगती है, ठीक है। तो इंसर्ट बिफोर का अभी मतलब क्या हो गया, ठीक है। यहाँ हमारे पास नंबर ऑफ एल आई एलिमेंट्स पड़े हैं, ठीक है, मेंशन कर देता हूँ, ये है एल आई, एल आई, एल आई, ठीक है। इन सभी एल आई पे हमारा एक इंसर्ट बिफोर, तो इंसर्ट बिफोर मेथड के बारे में बात करते हैं। तो डायरेक्टली कि इंसर्ट बिफोर मेथड का नाम से ही हमको क्लियरली पता चल रहा है कि किसी के बीच में कुछ चीज़ इंसर्ट करनी है, ठीक है, किसी किसी भी एलिमेंट के बीच में कुछ चीज़ इंसर्ट करनी है, ठीक है, प्लेस करनी है बेसिकली। तो इस चीज़ के लिए ना तीन तीन पैरामीटर्स बनेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए तीन पैरामीटर्स बन रहे हैं, वो क्या क्या होंगे बात कर लेते हैं। एक हो गई इंसर्ट बिफोर के लिए तीन चीज़ हैं, एक तो है पेरेंट, ठीक है, किसके अंदर इंसर्ट करोगे, पेरेंट तो चाहिए होगा, किसी एलिमेंट के अंदर इंसर्ट करोगे, राइट। नेक्स्ट सेकंड चीज़ होगी रेफरेंस, रेफरेंस। अभी रेफरेंस क्या चीज़ है, रेफरेंस यानी रेफरेंस नोड, वो रेफरेंस नोड कि किसी के रेफरेंस के थ्रू, मतलब इंसर्ट बिफोर का आ रहा है तो किसके पहले इंसर्ट करना है, तो कुछ रेफरेंस चाहिए कि भाई मेरे को इससे पहले इंसर्ट करना है, दैट आई वॉन्ट टू इंसर्ट सम एलिमेंट बिफोर दिस थिंग, राइट। सो उसके लिए रेफरेंस, एंड द नेक्स्ट थिंग द लास्ट थिंग इज गोइंग टू बी द न्यू नोड इटसेल्फ, व्हाट यू वॉन्ट टू इंसर्ट, इट्स ऑब्वियसली गोइंग टू बी न्यू एलिमेंट, राइट। सो यूर यू विल हैव we'll consider a new node, right? So we'll be inserting a new node within the parent, right? So parent is, so here in this case, let's say we have this, this is called UL, we have this UL tag, within we have a number of list elements, right? So let's say I want to insert some element within this space, right? I want to insert something within this space. So what I need to do, I want to insert it within UL. UL is going to be the parent. UL is going to be the parent, right? And the reference. What is going to be the reference? My reference is going to be this 4. I want to insert before 4, right? So the reference would be here 4. And the next, the new node. Let's say I want to add a new node called 100. A li element which has a content of 100, right? So parent ke saath क्या करना है मेरे को, इंसर्ट बिफोर करना है। इंसर्ट बिफोर किस चीज़ को करना है, इंसर्ट बिफोर करना है मुझे अपने नए वाले एलिमेंट को, मान लेते हैं 100 का कंटेंट, ठीक है। यहाँ पे एक एचटीएमएल एलिमेंट है, 100 नहीं, 100 होगा कंटेंट, यहाँ पे मान लेते हैं एक कोई डिव जिसका कंटेंट है 100, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे ऐसे ऐसे डिव बन के यहाँ पे 100 वाली बन जाएगी, ठीक है, राइट। तो हाँ, तो एक एक चीज़ गलत कर दी कि हमने बात की थी यहाँ पे तीन तीन पैरामीटर्स की, यहाँ पे तो हमने दो ही लिखी है, एक ही लिखी है, मतलब दो ही इंक्लूड करा है, ठीक है। तो चेंज क्या है, चेंज ये गलत चेंज हो गया कि यहाँ पे इरेज करता हूँ और फिर डालता हूँ अपना चेंज कि हमने यहाँ पे तीन पैरामीटर्स की बात की थी, ठीक है। तो तीनों पैरामीटर्स सही होने चाहिए कि मतलब पेरेंट, ठीक है, यूएल आ गया, इंसर्ट बिफोर, इंसर्ट बिफोर किसका, क्या करना है, इंसर्ट बिफोर नए नोड का जो कि डिव होगा 100 का, 100 का डिव, और फिर रेफरेंस के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे रेफरेंस के लिए पास कर देंगे 4, 4 का HTML एलिमेंट का रेफरेंस वो पास कर देंगे। तो इससे क्या होगा, हमारे सही प्लेस पे वो जाके इंसर्ट हो जाएगा, राइट। सो नाउ लेट्स डू द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट एंड कोड इट, राइट। लेट्स गेट टू आवर वर्क स्पेस, फाइन। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या करना होगा, मेरे को क्वेश्चन दे दिया गया है कि फिक्स द लिस्ट बाय मेकिंग इट गो फ्रॉम 1 to 10, यूज ओनली क्वेरी सेलेक्ट ऑल, क्रिएट एलिमेंट एंड इंसर्ट बिफोर। सो मेरे मुझे सिर्फ इन चीज़ों को यूज़ करते हुए मुझे ये प्रॉब्लम रेक्टिफाई करनी है। प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे एक 7 नाम का एलिमेंट मिसिंग है। सो बेसिकली द सेवन नेम्ड एलिमेंट इज मिसिंग, सो आई नीड टू इंसर्ट इट इन इट्स रेस्पेक्टिव प्लेस। सो लेट्स ट्राई डूइंग इट, ग्रेट। सो लेट्स स्प्लिट आर कोड, लेट्स ब्रेक इन टू पीसेस एंड क्विकली बिल्ड इट, राइट। सो द इनिशियल स्टेप इज बी दैट अकॉर्डिंग टू माई नीड, आई नीड द यू आई एज अ पेरेंट, राइट। सो वट आई विल बी डूइंग, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी selector of UL, great. So I have my parent UL, and the next thing would be I will be needing my all of the li elements as well. To access all of the li elements, we saw that we will be using something called document dot query selector. So let's do it. So let me do it, document dot query selector, query selector all, query selector all of li tags. So I will be having a node list of all of the li elements, right. The next step would be I will need to create an, great. So yeah, so the next step is going to be I will need the reference node as well. So let's move to the reference node to get the access of the 8th element before, because I need to insert it before 8, right. So 8 is going to be my reference element. So for my reference element, based on zero base, since it's a zero base indexing, so what I'll be doing, all li elements, so we know the index is going to be number 6,
So great. So the next step will be I will be needing to insert a new 7 element, right? So for that I will be doing the same procedure, the document dot, I will be creating an li element, I will be creating an element, and which has the 7 element, which has the inner text, right? 7 element which has the inner text is equal to 7. Great. So it has something called 7. Okay, so the next thing is going to be I have my reference parent and my new node as well. So just let insert it within the space. So insert before, and the first parameter is basically going to be the new node, right? So basically the 7 element, and the second one is going to be the reference node. The reference node is going to be my 8th element. Okay, great. So we can see that our 7th element has been added. Hope you enjoyed this practical series. Let's meet in the next question. Thank you very much.